वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज सेशन। और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे लगातार पूछते रहते हैं। पर वो सवाल ये है कि सर, क्या 150 प्लस मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं इन आर यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम? तो आज पहले तो इस सवाल का जवाब दूंगा मैं, और आप तब आपको बताऊंगा साथ साथ कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी योर प्लानिंग, जिसके बेसिस पे आप ये स्कोर बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं कि क्या ये स्कोर अचीव करना पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि आप अपने मास्टर्स के ही सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपने एमकॉम किया हुआ है और आप कॉमर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो ये स्कोर अचीव करना बहुत ही आसान है। बस आपको सिस्टमैटिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे चलना। सेकेंड क्या है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आता है कि सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स पहले कवर करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट बाद में कवर करना है, तो उन चीजों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, बट आपकी बहुत काम की वीडियो होने वाली है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरी जब भी स्टूडेंट से बात होती है तो वो कहते हैं कि सर हमारा थ्योरी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने क्या किया है, जो आपका इंटायर 10 सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आप सिस्टमैटिकली आगे बढ़ सके। पहला जो सेक्शन मैंने क्रिएट किया दैट इज फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट, सेकंड सेक्शन जो मैंने क्रिएट किया दैट इज फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और जो थर्ड सेक्शन मैंने क्रिएट किया दैट इज फॉर द फैक्चुअल टॉपिक्स। क्यों फैक्चुअल टॉपिक्स क्रिएट किए हैं उसका लॉजिक प्लीज समझ लीजिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पर्सनली ले लेते हैं कि सर लॉ हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, हम तो लॉ में पूरी जान फूंक देंगे, ठीक है? पूरा का सारा जो अपना टाइम है इंपॉर्टेंट और जो प्रेशियस टाइम है वो हम लीगल एस्पेक्ट वाले सब्जेक्ट में लगा देंगे या इनकम टैक्स में लगा देंगे। देखिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत अच्छी चीज है कि आपको आपके सब्जेक्ट से प्रेम है, आपको आपके सब्जेक्ट से लगाव है, सबको होता है, ठीक है? बट स्मार्ट वर्क क्या होता है, दैट यू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द आर। समय कम है तो किस तरीके से हमें फोकस करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। अब खुद सोचिए, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट फैक्चुअल है, इससे जो मेजोरिटी क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअल नेचर के होते हैं। आप कितना भी कह दें कि सर हम समझ के चले जाएंगे, ठीक है, बैंकिंग में या फिर हम लीगल में समझ के चले जाएंगे, आपसे केस स्टडी तो नहीं पूछी जाती। दे आर गोइंग टू फोकस ऑन सेक्शंस, या फिर वो वैल्यूज पूछ लेंगे कि भाई इनकम टैक्स में कितनी डिडक्शन है, इंटरटेनमेंट अलाउंस की कितनी डिडक्शन है, या ये सेक्शन में कितनी लिमिट है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ओनली गोइंग टू बी आस्क्ड, जो कि मेजरली देखा गया। तो आप खुद सोचिए कि आप कितना भी पढ़ लें, हो सकता है आपने बहुत मेहनत करी हो, लास्ट में कोई सेक्शन पूछ लिया गया हो कि भाई सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, ठीक है, यू माइट नॉट नो इट एंड यू माइट फ्लंक। तो खुद सोचिए कि क्या ये सेंसिबल आइडिया है, क्या ये स्मार्ट वर्क है कि हम इन 3 सब्जेक्ट्स पे खूब सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं? सर्टेनली नॉट। तो इसीलिए मैं एक सिस्टमैटिक मेथड आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी देर के लिए फैक्चुअल सब्जेक्ट्स को साइड में रख दीजिए, ये सोचिए कि या तो आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग होगा या तो आपका थ्योरी स्ट्रांग होगा। तो अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो सबसे पहले आपको पहला सेक्शन कवर करना है, दैट इज फ्रॉम द थ्योरी सेक्शन। कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, यू कैन पिक अप एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट, जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट हो, बट यू हैव टू फोकस ऑन बीएम एंड इको। बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है। मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को बता दूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, दैट इज कंज्यूमर इकोनॉमी हो गया, मार्केट हो गया, प्रोड्यूसर इकोनॉमी हो गया, सो एन एंड सो फोर्थ। बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेजरली ADS, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक है, नेशनल इनकम है, ठीक है, ये सब कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो आपसे नहीं पूछे जाते, तो प्लीज वहां जाकर टाइम मत वेस्ट करिएगा, इकोनॉमिक्स जल्दी से खत्म कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हो गए, टेलर के प्रिंसिपल हो गए, फेयोल के प्रिंसिपल हो गए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। और एक टारगेट लेके चलना है कि यार इस सब्जेक्ट के अंदर मेरा क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, कितने क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए। तो मैंने क्या टारगेट बनाया कि कंसीडरिंग द लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, 11th 12th में पढ़ा हुआ है, तो इसमें आराम से आप 8 क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो इम्प्रैक्टिकल सा टारगेट है, बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप डे 1 से अपनी तैयारी करते समय या जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं, अगर आप एक टारगेट सेट करने माइंड में एक स्टैंडर्ड बना लें कि यार 8 क्वेश्चन तो मुझे सही करने ही करने, मॉक्स लगाए 8 क्वेश्चन नहीं सही हो रहे, दोबारा उन मॉक्स को इवैल्यूएट करिए और देखिए कि भाई क्यों नहीं सही हो रहे, व्हाट आर द मिस्टेक दैट आई एम मेकिंग। क्या ऐसा तो नहीं है कि मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, या फिर मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं, या फिर मैं न्यूमेरिकल्स में गलती कर रहा हूं? क्या गलती कर रहे हो, जब तक ये नहीं देखोगे तब तक सुधार कारण नहीं हो पाएगा। हमारे स्कूल में एक हिंदी की टीचर थी, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स पे ना बहुत डांट लगाती थी, बट उससे फायदा क्या होता था, एक बार गलती करने के बाद दोबारा जब हम वो स्पेलिंग लिखते थे तो हमें उनका थप्पड़ याद आ जाता था कि यार यहाँ पे हमने गलती करी थी और मैम ने ये बताया था, ठीक है। सिमिलरली जब आप मॉक टेस्ट इवैल्यूएट करिए, बहुत आराम से टाइम लेके इवैल्यूएट करिए, जल्दबाजी मत करिए कि मुझे तो बस आंसर चेक करना है और बताना है कि हाँ भाई मेरा इतना स्कोर बन रहा है, उससे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। सॉल्यूशन तब निकलेगा जब आपने गलती को सुधारोगे, उस पर काम करोगे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। तो 8 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं और 8 क्वेश्चन ड्यूएबल है। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है,
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एचआरएम। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो टॉपिक्स हैं आपके पर्सनालिटी है, परसेप्शन है, एटीट्यूड है, पॉलिटिक्स है, पावर है, ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से कवर कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली एचआरएम के अंदर बात करूं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का टॉपिक है, ठीक है, कॉम्पेंसेशन है, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज का पूछ लिया जाता है, उसको थोड़ा सा कवर कर लीजिए। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि एक बार अगर आपने अच्छे से कवर अप कर लिया, कोई आपको 8 क्वेश्चंस तो सही करने से रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी 8 से 10 क्वेश्चन का आप टारगेट लेके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? मार्केटिंग। मार्केटिंग अंदर क्या पूछ लेंगे? 4 P's ऑफ मार्केटिंग हो गया, ठीक है, उसके अंदर ब्रांड वैल्यूएशन पूछ लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी पूछ लेंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। इन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाइए और 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन का टारगेट यहाँ लेके चलते हैं। आगे बढ़ते हैं आईबी के अंदर। आईबी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट मैं आपको बताऊं कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ट्रेड थ्योरीज हो गया, ठीक है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए। इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। नाम ध्यान रखना है, कौन सी ट्रेड थ्योरी किसने दी थी, व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द अजम्पशंस, और क्या वो अभी मॉडर्न टाइम में सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है, बिकॉज इस पे कई बार घुमा के अजम्पशन रीजनिंग क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अगेन अगर आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर लिए तो आईबी में भी 8 क्वेश्चन बहुत आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। अब मैं 8 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्यों? एवरेज आउट करके। हो सकता है बीएम इको में आप ज्यादा स्कोर करें, आईबी में कम करें, बट 8 का टारगेट तो लेके चलना ही पड़ेगा अगर ये टारगेट रखना है, दैट इज 150 प्लस स्कोर का। तो 8 क्वेश्चन का एवरेज लें तो अप्रॉक्सिमेटली आप 32 क्वेश्चन यहाँ पे अचीव कर पाएंगे, या फिर इतना तो आपको टारगेट बना के चलना है कि थ्योरी में मेरे 32 क्वेश्चन सही करने हो जाए। आते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे। जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वो पहले प्रैक्टिकल कवर करें, देन थ्योरी पे मूव करें, एंड वाइस वर्सा। अब प्रैक्टिकल में क्या है? अकाउंट्स। अब अकाउंट्स में क्या पूछा जाता है? अकाउंट्स में पूछा जाता है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले कि पार्टनरशिप रेशियो कैलकुलेट कैसे होगा। आजकल जर्नल एंट्रीज बहुत पूछने लगे हैं कि जर्नल एंट्री पास करेंगे, शेयर फॉरफीचर हुआ है तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा, गुडविल में कितना ट्रांसफर होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको अच्छे से कवर अप कर लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से देख लीजिए, रेशियो एनालिसिस अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा कॉस्टिंग का पार्ट देख लीजिए, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, इस पर कई बार बिल्कुल डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स फॉर्मुले बेस्ड पूछ ले जाते हैं, उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, आप आराम से स्कोर करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स के अंदर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, 7 से 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों इसका एडवांटेज है 7 से 8 क्वेश्चन अचीव करने का? क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, बहुत लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो अगर आपने कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आराम से अचीव किए जा सकते हैं। सो ये हो गए हमारा अकाउंट्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर जिसको हम फाइनेंस भी कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए 3 से 4 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, एक है कैपिटल स्ट्रक्चर, एक है डिविडेंड डिसीजन, और एक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इन 4 यूनिट्स को, इन 4 चैप्टर्स को आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आप घर का एड्रेस याद करते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक कब कौन सी यूज होती है, एनपीवी आईआरआर में क्या अंतर है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कैश साइकिल्स की कौन सी टेक्निक्स है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक्स हैं। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, एनओआई अप्रोच, एनआई अप्रोच, एमएम अप्रोच, इनकी क्या अजम्पशंस हैं। देखिए सब टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, अब पढ़ने का काम तो आपको करना है, वो तो मैं नहीं कर सकता। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से कवर अप कर लेना है। थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या है, बॉन्ड वैल्यूएशन क्या है, शेयर्स वैल्यूएशन क्या है, ये कुछ टॉपिक्स देख लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स को अगर कवर अप करके चले जाएंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी 7 से 8 क्वेश्चन कहीं भी नहीं गए, यू आर नॉट गोना मिस एनी वेयर इन टर्म्स ऑफ 7-8 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब मैं आपको बताऊं आपको स्टैटिस्टिक्स डिफिकल्ट क्यों लगता है। आपको स्टैटिस्टिक्स इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आप उसके कैलकुलेशन में घुसने की कोशिश करते हैं। देखिए मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स की थोड़ी सी कैलकुलेशन वीक है, बट एडवांटेज तो यही है ना दोस्तों कि स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के अंदर आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जिसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछे जा सकते। वो आपसे क्या पूछ लेंगे, प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे, कोरिलेशन की, रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे, टी टेस्ट कब यूज होगा ये पूछ लेंगे, जेड टेस्ट कब यूज होगा ये पूछ लेंगे, काई स्क्वायर कब यूज होगा ये पूछ लेंगे। सो आइडियली ये जो सारे टॉपिक्स अभी मैंने आपके सामने बोले, इनको मैंने दोबारा से अपने YouTube लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के देखिए, बिकॉज दोबारा कवर करने का लॉजिक यही था, ऑब्जेक्टिव यही था कि यार जिन स्टूडेंट्स का मिस आउट हो गया है वो थोड़ा अच्छे से इन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ लें, बिकॉज ये डिफिकल्ट लगते हैं, तो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में वहां पे बता रखा है। स्टैटिस्टिक्स को इस तरीके से पढ़िए कि पूरी लाइफ आपको मदद करने वाला है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर फ्यूचर में आप एकेडमिया में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए कि अगर स्टैटिस्टिक्स पे आपकी पकड़ बन गई, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स को समझ लिया, 50% ऑफ योर जॉब इन योर पीएचडी इंटरव्यू इज एक्चुअली डन, बिकॉज 90% लोगों का स्टैटिस्टिक्स वीक होता है, तो जिन 10% का वो अच्छा होता है या जिनका स्ट्रांग होता है उनको हमेशा एडवांटेज मिलता है। मुझे पर्सनली बहुत एडवांटेज मिला है, आज तक मैं एडवांटेज उठा रहा हूँ उसका।
ठीक है। सो प्लीज स्टैटिस्टिक पे फोकस करिएगा, और यहां पे भी 8 क्वेश्चन अचीव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एवरेज आउट करके मैं ले रहा हूं, बिकॉज अकाउंट्स में आप ज्यादा स्कोर कर लेंगे मुझे बात पता है। तो अगर हमने इन तीनों सब्जेक्ट्स का ले लिया, इट कम्स आउट टू बी 24, ठीक है। तो 32 प्लस 24 गिव्स अस 56, अप्रॉक्सिमेटली 56 क्वेश्चंस हमारे अचीव हो गए। अब यहां पे तीन सब्जेक्ट बचते हैं, दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स, इनकम टैक्स एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं कि आप जितना ज्यादा इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, वंस यू हैव कंप्लीटेड दीज टू, ऐसा नहीं करना कि इन तीन सब्जेक्ट्स को पहले उठा लेना है। जब आप इन 7 सब्जेक्ट्स को कवर अप कर लें, देन यू प्रोसीड टू दीज सब्जेक्ट्स, और इसको कोशिश करिए कि अपने एग्जाम आने से 10-15 दिन पहले पढ़िए, बिकॉज आप कितना भी रिवाइज कर लें, कितना भी पढ़ लें, इट्स अ ह्यूमन मेमोरी, हमारी लिमिटेशन है कुछ, ठीक है। अंटिल कि आप बिल्कुल विख्यात कोई मेमोरी एक्सपर्ट हैं जिसको चीजें याद रहती हैं, वी आर बाउंड टू फॉरगेट थिंग्स। और लीगल एस्पेक्ट के अंदर भी सेक्शन पूछे जाएंगे, इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन पूछे जाएंगे, बैंकिंग से 2 कभी कभी बैसल नॉर्म से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बट मेजरली वो भी ईएस पे ही फोकस करने लगे हैं कि कौन सा बैंक कब नेशनलाइज हुआ, कौन सा बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था, कौन सा बैंक इसके साथ मर्ज हुआ है, बैसल नॉर्म्स आए थे तो कौन से ईयर में आए थे, कुछ बैंकिंग रिलेटेड कमिटीज हैं, उन कमिटीज की क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, व्हेन वर दे फॉर्मड, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट में आपका क्या अप्रोच होना है, एग्जाम के पास पढ़ना है और कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर लें, ठीक है। पर इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू पे यू ऑफ, ठीक है, बिकॉज थ्योरी क्वेश्चंस हैं, सॉरी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा हुआ उसी में से ये पूछ लिया जाए। तो इन तीन सब्जेक्ट्स को आपको इस तरीके से लेकर चलना है। अब मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि यार 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, 30 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं, और मैं एवरेज यहां पे 7 लगा लेता हूं, बिकॉज आप तुक्के मारने वाले हैं मुझे पता है। तो क्या आप ये बताइए कि क्या यहां पे एवरेज आउट करके अगर हम 7 क्वेश्चन भी लेके चलें, दैट मींस 21 क्वेश्चन, तो क्या ये 21 क्वेश्चन का आंकड़ा भी आप नहीं अचीव कर सकते, इज इट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तो अगर आप 56 प्लस 21 कितना हो गया, 77 हो गया, ठीक है, 77 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, इफ यू आर टेकिंग अ टारगेट ऑफ 77 क्वेश्चन, ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली, तो कहीं ना कहीं 70-75 के अंदर तो आराम से लैंड अप कर जाएंगे। देखो यार, टारगेट ही बना के चलोगे कि 70 ले आने या 65 लेके आने, तब तो 50-55 ही आएंगे। टारगेट रखोगे 75-77 का, तब जाके पहुंचोगे कहीं 70-72 के आसपास, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, स्ट्रैटेजी का ध्यान रखिए और दिमाग से काम करिए, ठीक है। रैंडमली पढ़ाई मत करिए कि यार मुझे लीगल एस्पेक्ट पसंद है तो मैं पहले उसमें सारा का सारा अपना टाइम इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू पे यू ऑफ। अगर यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते तो मैं आपको नहीं कहता, तो मैं आपको कहता कि नहीं आप इसमें टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए। बहुत सालों में ये देखा गया, स्टूडेंट बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं और फिर अल्टीमेटली इसमें से सेक्शन पूछ ले जाते हैं जो कोई भी नहीं कर पाता, जिसने पढ़ा हुआ है वो भी नहीं कर पाता है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो भी नहीं कर पाता है। तो अल्टीमेटली जो ये 7 सब्जेक्ट हैं, 4 थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल, यही आपकी नैया पार लगाने वाले हैं, यही आपको जेआरएफ दिलवाने वाले हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं दोस्तों, अल्टीमेटली जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, दैट इज ओनली गोइंग टू टेक यू प्लेसेस। और किसी भी चीज से मैं कितना भी बता दूं, कितना भी आपको समझा लूं, जब तक आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक एनी एग्जाम, नॉट जस्ट यूजीसी नेट, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको सेशन पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय-बाय।